हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आप सबको होम रेमेडी बताऊंगी डार्क सर्कल्स के लिए। 100% इफेक्टिव है, यूज कर चुकी हूँ इसलिए आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम आजकल सबको ही हो रही है। इसके ज़्यादातर रीज़न है कि हम फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, टीवी ज़्यादा देखते हैं और बैड मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करने से भी हमारे फेस पर स्पॉट्स, डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। रेमेडी के लिए मैंने जो सामान लिया है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। टमाटो, आप सबको पता है स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, नेचुरली ग्लो करता है स्किन को। क्यूकम्बर बहुत ठंडा होता है, आइस को आपके पूरे फेस को फ्रेश रखता है। और मैंने लास्ट में आलू लिया है। आलू हमारे फेस के डार्क स्पॉट को लाइटन करने में हेल्प करता है और स्किन को टाइटन भी करता है। चलिए रेमेडी स्टार्ट करते हैं। रेमेडी के लिए मैंने लिए है एक आलू जिसको मैंने फ्रीज में रख लिया था, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, ये मैं ऐड करूँगी। खीरा, उसको भी मैंने फ्रीज में रख लिया था, उसको भी मैं ग्रेट करके इसमें ऐड कर दूँगी। ये मैंने फ्रीज में इसीलिए रखे थे ताकि आइस को बहुत कूल और फ्रेश लगे। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून टमाटर का रस ऐड कर दूँगी। टमाटर का एक ये बेनिफिट भी है कि नेचुरली ब्लीच की तरह इसे हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन्हें आपस में अच्छे से मिला लेंगे। अब मैंने थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी ली है, ये बहुत ही ठंडी होती है और फेस के लिए भी बहुत अच्छी रहती है, स्किन के डार्क स्पॉट को लाइटन करने में हेल्प करती है। अब इनको भी मैं अच्छे से ऐसे मिला लूँगी। अब देखिए जैसे मैंने इसके बॉल टाइप बना ली है, आप भी ऐसे बना लें और इसको 20-25 मिनट के लिए हफ्ते में 2 बार अपनी आइस पर रख लें। आप सबकी डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक्स्ट्रा टिप मैं आपको बताऊंगी कि बनाना कितना यूजफुल है हमारे फेस के लिए। ये हमारे डार्क स्पॉट्स को लाइटन कर, इसको डेली अपने फेस पर रब कीजिए। फेस के डार्क स्पॉट्स रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। अगर ये रेमेडी आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब टू माई चैनल।